सबसे पहले आपके पास है 106 और 108, इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने ये करना है कि इन दोनों डिजिट्स का 100 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि वो कितना है। आप देख सकते हैं कि जो 106 है वो 100 से 6 पॉइंट्स अबव है, सो यू विल राइट +6। और जो 108 है वो 100 से 8 पॉइंट्स प्लस है, तो आपने +8 लिख दिया। मतलब 100 से जितना उनका डिस्टेंस होगा आप उसको नीचे मेंशन कर देंगे। अगर वो 100 से ज़्यादा है तो प्लस में मेंशन करेंगे, अगर 100 से कम है तो माइनस में मेंशन करेंगे। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मुराद है, आपके पास 106 और 8 इन ये आपस में हो जाएंगे, और 108 और 6 ये आपस में इनके क्रॉस लगा देना है। क्रॉस लगाने के बाद आपने उनको आपस में ऐड करना है। 106 को 8 में ऐड कर दें या 108 को 6 में ऐड कर दें, दोनों केसेस में सेम आंसर आता है। तो आप 106 और 8 को जमा करें तब भी 114 आता है, और 108 और 6 को जमा करें तब भी 114 आता है। दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लें, आंसर आपके पास 114 ही रहेगा। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो 114 आपके पास आया है उसके राइट साइड पे आपने अपनी तरफ से दो जीरोस ऐड कर देनी है। तो 114 और आगे दो जीरोस लगा के 1140 हो जाएगा। थर्ड स्टेप ओके हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने ये करना है कि जो नीचे आपने 100 से डिस्टेंस मेंशन किया हुआ था, जो कि 6 और 8 था, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो +6 और +8 को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 48। इस 48 को आपने 11,400 में एडअप कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 11448, 11,448। आप 106 और 108 को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो पहली कैटेगरी हमने क्लियर कर ली है जिसमें दोनों नंबर्स 100 से ग्रेटर हों। अब सेकंड कैटेगरी आपके पास है पहली ट्रिक की, जिसमें दोनों नंबर्स 100 से छोटे हों। तो आप देख सकते हैं कि 96 भी 100 से छोटा है और 93 भी 100 से छोटा है, तो आप इसको सबसे पहले 100 से डिस्टेंस मेंशन करेंगे। अब 96 का 100 से कितना डिस्टेंस है, -4 का, और 93 का कितना डिस्टेंस है, -7 का। तो हमने इस तरह उनके डिस्टेंसेस 100 से मेंशन कर दिए। -7 क्यों, क्योंकि ये 100 से कम है। स्टेप टू में मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्रॉस एरो लगाने हैं, क्रॉस एरोज लगाकर उनको आपस में ऐड अप कर देना है। 96 और -7 इनको ऐड अप करें 89 आता है, 93 और -4 इनको ऐड अप करें तब भी 89 ही आता है। तो दोनों में से मैंने बताया था किसी एक को भी कर लें तो आंसर 89 ही रहेगा। ठीक हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप का आंसर आ गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, राइट कॉर्नर पे आपने दो जीरोस अपनी तरफ से लगा देनी है। तो 89 हमारे पास आया था, तो टू जीरोस ऐड करके यू विल गेट 8900। ये आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप यहां तक क्लियर। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, जो नीचे दोनों डिजिट्स होते हैं, यहां इस केस में -4 और -7 है, आपने उनको करना है मल्टीप्लाई। तो -4 और -7 कितना होता है, +28। तो +28 को आप 8900 में ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8928। सो अगर आप 96 और 93 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा 8928। अब हम पहली ट्रिक की लास्ट एग्जांपल करते हैं, जिसमें एक डिजिट 100 से बड़ा है और एक डिजिट 100 से छोटा है। मेथड वही फॉलो होगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होगी, वो मैं आपको सोल्यूशन के साथ बता दूंगा। सबसे पहला स्टेप वही, आपने 100 से डिस्टेंस मेंशन करना है। तो 103 100 से 3 पॉइंट्स ग्रेटर है, सो यू विल राइट +3। और जो 95 है वो 100 से 5 पॉइंट्स छोटा है, सो यू विल राइट -5। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, क्रॉस एरोज लगाते हैं, क्रॉस एरोज के बाद उनको आपस में ऐड अप करते हैं। तो 103 और -5 इसको ऐड करेंगे तो 98 आएगा, या आप 95 और 3 को ऐड कर दें तब भी आंसर 98 ही आ रहा है। तो सेकंड स्टेप तक आपके पास 98 आ गया। थर्ड स्टेप में आपको बताया था कि दो जीरोस आप राइट साइड पे अपनी तरफ से ऐड अप करेंगे, तो हमने ये इस स्टेप में दो जीरोस लगा दी, तो 98 9800 बन गया।
फोर्थ स्टेप में आपको बताया था क्या करना है, जो नीचे उनके डिस्टेंसेज हैं 100 से उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब पहले केस में क्या हो रहा था, दोनों वैल्यूज प्लस में थी तो आपके पास आंसर प्लस में आ रहा था। सेकंड केस में आंसर दोनों वैल्यूज नेगेटिव में थी तब भी आंसर पॉजिटिव आ रहा था। अब थर्ड केस में एक वैल्यू प्लस के साथ है, एक वैल्यू नेगेटिव के साथ है, तो आपके पास +3 × -5 यू विल गेट -15। तो -15 को आप 9800 में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9800 में से 15 आप निकाल देंगे तो आपके पास 9785 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पहली ट्रिक के क्वेश्चंस एंड होते हैं। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी है।